Hi, hello everyone, welcome back to my YouTube channel and yes, welcome back to another vlog. And this is my favorite vlog क्योंकि मैं आऊँ मुंबई और मैं ना जाऊँ सिद्धि विनायक ऐसा हो नहीं सकता. तो चलो चलते हैं सिद्धि विनायक. सुबह सुबह मैं नहा के तैयार हो गई हूँ अभी एंड हम लोग निकलने वाले हैं अभी सिद्धि विनायक के लिए. और सबसे बेस्ट होटल का ये जगह मिल गया मुझे अपना फ़ोन रखने के लिए. ऐसा मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा घर हो जिसमें सामने से इस विंडो के सामने से बीच दिखे, पानी और नाव दिखे जो दिख रहा है इस होटल में. और ऐसा एक जगह हो जहाँ पे मैं बैठ के आराम से लंबे लंबे वीडियोस बना सकूँ, बोल सकूँ अपना सब कुछ यूट्यूब पे. तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस. और जितने दिन हूँ यहाँ अभी, एक दो दिन तीन दिन, मैं यहाँ पर शूट करूँगी. ये देखो मेरी माँ को, मेरी माँ बैकग्राउंड में है भी फटाफट. पहले मम्मा व्हाइट कलर का सूट पहनी, फिर मम्मा को लगता है कि व्हाइट कलर का सूट पहन के को नहीं जाना है मंदिर, तो मम्मा पिंक कलर का सूट पहन ली. और ये वाला सूट मम्मा मेरे लिए खरीदी थी, इंस्टाग्राम पे देखी थी और उस वेबसाइट से मम्मा ने मेरे लिए ख़रीदा. और हैदराबाद से बोल रही थी कि यही सूट पहन के जाना है सिद्धि विनायक. तो मैं फटाफट तैयार हो गई, कल का जो काम था वो ख़त्म हो गया और आज देखते हैं कुछ एक दो काम है वो करेंगे. एंड चलो सब चलते हैं सिद्धि विनायक. है मेरा बेस्ट 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 व्यू जहाँ बैठ के मैं आराम से देख सकती हूँ, देखो बीच को. और यहाँ से देखो वो नाव दिख रहा है क्या आप लोगों को? वो नाव था ना, कहाँ? वहाँ था, वहाँ वहाँ देखो, वहाँ वहाँ पे वो जो छोटू सा दिख रहा है वो नाव है. चलिए मैं आती हूँ, चलो पहले से सिद्धि विनायक चलते हैं, फिर वहाँ से आप लोग को बैठ के मैं दिखाती रहूँगी. सो हम लोग निकल गए अपने गणपति बप्पा के दर्शन के लिए. सुबह सुबह मुंबई में ट्रैफिक बहुत ही कम मिलता है, वरना एक जगह जाने के लिए अगर एक घंटे लगे तो मुंबई में आपको तीन घंटे भी लग सकते हैं. जब भी मुंबई आती हूँ मेरा सबसे बड़ा एक्साइटमेंट और खुशी की बात यही होती है कि मैं सिद्धि विनायक जाऊँगी, गणपति बप्पा का दर्शन करूँगी. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए जल्दी से. सो हम लोग पहुँच गए अपने गणपति बप्पा के पास. मेरा ये वाला एक्सप्रेशन इसलिए था क्योंकि उन्होंने मेरे हाथ में पानी देने के साथ साथ उन जो बगल वाले भैया है उसके जीन्स पे भी पानी डाल दिया था उन्होंने. आज
हो गया आपका? अलाउ नहीं था इसलिए मैं कैमरा बंद करने के लिए बोल रही थी, और जितना हो सका मैंने उतना क्लिप्स इस ब्लॉग में दिखाया है। हम लोग ने अपना पूजा ख़त्म किया और हम लोग लौट गए अपने घर को, और बहुत थक गए थे क्योंकि भीड़ थी। और ये देखो मेरी मम्मा किस सपने में गुम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड आई लव यू ऑल सो मच। बोलो गणपति बप्पा मोरया।